देखिए दुआ, मैं अपने भाई खेलदास को गारंटी करती हूँ, अश्योर करती हूँ कि जो ज़ुबान नवाज़ शरीफ ने लंदन बैठ के गुजरांवाला की स्पीच में की थी, वैसी ज़ुबान हरगिज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। मैं इनको गारंटी देती हूँ कि जो मरियम ने जिस जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, वो हम हरगिज़ नहीं करेंगे। जैसे जरदारी ने कहा कि ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, वो हम नहीं करेंगे, ना हम करते हैं। फजलुर रहमान के भाई ने पार्लियामेंट के अंदर, इसी ऐवान के अंदर, जिस तरह से इदारों को ललकारा, हम वो नहीं करते, ना हमने किया है ना करेंगे। इंतशार की बात ये करते हैं। जवेद लतीफ़ की स्पीच निकालें, जवेद हाशमी की, अभी जो उसने तबाजमाई की है वो, और हर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें, वो अल्फाज दुराए जाने के काबिल नहीं है। शहबाज गिल ने बहरहाल जो भी किया, मुझे ये बताया जाए कि वो जो ड्राइवर की बीवी और बेटी का कसूर क्या था, इन्होंने फट जाके मिला दिया है मरियम से। भाई मरियम ने करप्शन के केसेस के सिलसिला में मुतरमा गई थी, वो पॉलिटिक्स में थी, मेरे ऊपर 5 दहशतगर्दी के पर्चे हैं, मैं नहीं रोई, मैं उस बच्ची के लिए इसलिए तड़पी कि वो एक ड्राइवर की बीवी थी, उसका जुर्म और कसूर ये है। ये जो दो कौमी नजरिया, ये दो निज़ाम, दुआ, इन्हीं के खिलाफ हमारी जंग है। मैं इस तरह की बहस नहीं करना चाहती थी, बिकॉज ये एक्सपर्ट ओपिनियन देने का प्रोग्राम है, इसलिए मैंने जो मुझे उस वक्त मेरी अपनी ओपिनियन थी वो बात की। मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पॉइंट स्कोरिंग, ये लीडरान को खुश करना, भाई सबसे पहले मैं वो बात करूं जो मेरा लीडर नहीं करता, मैं दूसरों को वो ज्ञान दूं। देखें, यहाँ पे इस मुल्क को बाय डिज़ाइन, बाय पॉलिसी इलिटरेट रखा गया, इदारों को तबाह किया गया, इस मुल्क में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए, इस मुल्क को अपनी सल्तनत बनाने के लिए, इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा बनाने जमाने के लिए, जैसे सिंध में कब्जा एक एक तबके का, और इधर इन्होंने इस मुल्क के एक एक इदारे को तबाह किया। इन्होंने मेरे मुल्क के बच्चों को अनपढ़ रखा, जाहिल रखा। उस बच्चे ने बिल्कुल सही सवाल किया है कि आखिर हमारा मुस्तकबिल क्या है, उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। तरीके साफ का भी हिस्सा है, वो तो यही कहते हैं, आपके पास भी तो हुकूमत थी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपने भी तो कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिए जिसका जिक्र आज एक बच्चे ने भी किया। सवाल था जी, जी सुन लेना, मैं इसी तरफ आ रही हूँ। देखो तो आप, बिल्कुल आपने सही बात की है, उस बच्चे ने भी जो सवाल उठाए हैं, 3.5 सालों का हिसाब हमारे से लिया जाए, सख्त से सख्त सवाल किया जाए और हमारे से उसका जवाब लिया जाए। उसके बाकी रेस्ट ऑफ टाइम में इस मुल्क के साथ क्या हुआ है, 75 सालों में 3.5 साल हमारे जिम्मे है और उसका हमारे से सब जवाब लिया जाए। यही तो हम जंग लड़ रहे हैं कि इस मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते, कि दुआ के लिए और मुसर्रत के लिए और अशराफिया के लिए, और मैं तो अपने आप को भी उसी क्लास में कंसिडर करती हूँ। ये सलूक मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे भी थे। मैं कहती हूँ जो उस ड्राइवर की बीवी और बेटी के साथ हुआ, हमारे बच्चों को कोई ऐसे नहीं ट्रीट कर सकता। ये निज़ाम कब ख़त्म होगा? देखें, इन्होंने पुलिस का महकमा, हम पुलिस की बात करें, मेरे भाई ने बड़े जज्बाती सीन क्रिएट करने की कोशिश की, तो पुलिस को गुल्लू बट या अपना जाती विंग किसने बनाया? जो सानिया साहिवाल हुआ, उससे मिलता जुलता सानिया 25 मई को हुआ, जब मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल हुआ। मेरे से मुराद मेरे वतन की सरजमीन को कश्मीर जैसे और फलस्तीन जैसे मनाजिर इसी पुलिस ने बनाए। वो रिफॉर्म से ठीक होनी है, वो अपना, और जिस तरह से सानिया मॉडल टाउन हुआ, वो सानिया साहिवाल से कम नहीं था। वी हैव टू लुक इनटू इट। हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करके चीजों को ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए वी हैव टू सिट। और एक ही सोल्यूशन है इस मुल्क का, इस वक्त जिस नहज पे हम पहुंच गए हैं कि सारे इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स बैठे, अगर इस मुल्क को बचाना, ये कश्ती डूब रही है, ये बड़ी तेजी से डूब रही है, हम बैठे फ्रेश मैंडेट की बात करें, तरीकाकार वजा करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है, और अगला लाहे अमल बनाए, नए इंतखाबात में जाए, जो पार्टी मैंडेट लेके आए, पहले ये चीजें तय हो कि दूसरी जमातें उसके मैंडेट को एक्सेप्ट करेंगी।